हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन को लिए हैं, जिसमें कि हम लोग इसमें अननोन वैल्यूज यानी पावर किसी का दिया होता है यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे आप लोगों ने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि जब कभी भी बेसिस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है और वो दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मल्टीप्लाई में होता है तो उसके पावर को ऐड कर देते हैं तो वैल्यू आ जाता है। उसी प्रकार से यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करके और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं इसमें, इफ 5 to the power 2m into 5 to the power 3 है is equal to 5 to the power 7, then find the value of m, यानी इसमें m का value find करना है। तो m का value कैसे find करेंगे, तो देखिए करना क्या होता है इसमें। इस तरह के जब भी question दिया हो तो इसे हम लोग देखिए solution करते हैं इसका। हम लोग solution यानी 5 to the power 2m into 5 to the power 3 है is equal to 5 to the power 7। जब कभी भी ऐसे हम उतार लेते हैं फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है, हाँ यहाँ भी बेसिस सेम है, और ये देखिए ये बेसिस सेम है के साथ साथ ये मल्टीप्लाई में भी है। यार ये दोनों टर्म जो है एक दूसरे के साथ इनटू में हो तब हम पावर को ऐड कर सकते हैं। यानी देखिए इसमें हो जाएगा 2m प्लस 3 होगा इज इक्वल टू 5 to the power 7 होगा इस तरह से। तो आगे देखिए फिर इसमें क्या है, 5 है और यहाँ बेसिस क्या है इसका, बेसिस इसका 5 है, इसका भी 5 है। तो इस केस में क्या करते हैं, जब बेस सेम हो जाए तब पावर भी सेम हो जाता है। तो लिखेंगे यहां पे बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम शो देयर पावर मस्ट बी इक्वल। इस तरह से मस्ट भी इक्वल यानी बेसिस जब सेम है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अब देखेंगे इसमें जो भी बेस था वो बेस सेम था, इसलिए यहाँ पे पावर को इसके पावर को बराबर कर लेंगे वैल्यू आ जाएगा। यानी पावर क्या है इसका, तो 2m प्लस 3 है और इधर है 7, तो इसे बराबर कर लिए। फिर यहाँ पे 2m is equal to, इसको सॉल्व कर देगा है, 2m is equal to 7 और ये प्लस 3 है उसमें जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, यानी 2m is equal to 4 होगा। इसमें देन इंप्लाई करके साइन लगा दीजिए यहाँ पे, यानी m is equal to 4/2, यानी इससे इसको काट दीजिए ये आ गया 2, देन इंप्लाई दैट m is equal to 2 इसका आंसर होगा। तो देखिए इसमें आ गया 2 इस तरह से। तो ऐसे ही हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में चल के आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन जब भी दिया हुआ रहे तो। तो चलिए देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन को और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमने ले लिया है इसी प्रकार से, यानी 5 to the power m into 5 to the power -3 है और 5 to the power 5 है, then find the value of m, यानी m का value इसमें भी find करना है। तो कैसे find करेंगे, बस इससे पहले जो question हम लोग लिए थे जिसे solve किया थे उसी तरह से इसमें भी solve करेंगे। तो देखिए क्या होगा इसका solution, यानी 5 to the power m into 5 to the power -3 is equal to 5 to the power 5 लिखेंगे। और इसी तरह से देखिए इसमें भी, यानी दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी 5 to the power m और 5 to the power -3 जो है ये मल्टीप्लाई के साथ है, ये मल्टीप्लाई है यानी दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मल्टीप्लाई में है, दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मल्टीप्लाई में है। तो क्या करेंगे, और बेसिस जब सेम है तो ये क्या करेंगे, क्या इस पे 5 लिखेंगे यानी बेस को लिखना है और इसके पावर को ऐड कर देना है, यानी m प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 5 to the power 5 हो जाएगा। यानी इसमें होगा 5 to the power m प्लस माइनस माइनस होता है इज इक्वल टू 5 to the power 5। अब क्या करना है, देखिए बेसिस सेम है सो देयर पावर मस्ट बी इक्वल, यानी बेसिस आर सेम सो देयर पावर मस्ट बी इक्वल। इसके बाद बेसिस आर सेम सो देयर पावर मस्ट बी इक्वल, तो इसमें जो भी पावर होगा उसको हम लोग इक्वल कर देंगे, पावर जो भी होगा उसको हम लोग इक्वल कर देंगे। तो यह हो जाएगा m माइनस 3 इज इक्वल टू 5, इसका पावर m माइनस 3 है और इसका पावर 5 है।
तो इसे इक्वल कर देंगे, यानी यहाँ पे m का जो वैल्यू आएगा यानी 5 प्लस 3 यानी m का जो वैल्यू आया वो आ गया 8, 5 प्लस 3 को ऐड किए तो 8 आया, यानी m का वैल्यू यहाँ 8 आ गया। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो चलिए लेते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप से, जब कभी हो सकता है इसमें जो यहाँ तो m दिया है, यहाँ x y कोई भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल फॉर्म हो सकता है, यानी a टू z में से कोई भी लेटर का यूज किया जा सकता है। तो हम लोग लेते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, इसे भी सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए क्या करना होता है, इसमें भी यही काम करना है हमें। इस क्वेश्चन को लीजिए, यहाँ पे 3 पे पावर 2x डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 4 इज इक्वल टू 9 है, तो इसे भी सॉल्व करेंगे इसी तरह से। देखिए क्या करना है, इसमें देखिए बेसिस जो है सेम है और यहाँ डिवाइड है, ध्यान रखिएगा डिवाइड है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं, एक रूल होता है, a टू दी पावर अगर m हो और डिवाइडेड बाई a टू दी पावर अगर n है, तो इसका रूल होता है a टू दी पावर m माइनस n हो जाता है, ये होता है। इस रूल को यूज करेंगे हम लोग, देखिए इस तरह से। तो डिवाइड में है, बेसिस सेम है, तो क्या करना होगा, इसके पावर को माइनस करना पड़ता है, यानी a टू दी पावर देखिए कैसे माइनस आया, यानी a पे पावर m था डिवाइडेड बाय a पे पावर n, तो यहाँ पे a पे पावर m माइनस n हो जाता है। तो देखिए इसी तरह से है, यहाँ पे 3 पे पावर ये है एज ए m और ये है 3 पे पावर एज ए n है, तो यहाँ ये हो जाएगा यानी 3 पे पावर 2x और ये माइनस 4 इज इक्वल टू, अब देखिए इधर पे ये 9 है, 3 पे पावर 2 कर देंगे आ जाएगा 3 जाना है, देखिए बेसिस सेम हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा लगाएंगे रूल, बेसिस आर सेम सो देयर पावर मस्ट बी इक्वल टू 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, यानी इस पावर को बराबर कर देंगे, यानी 2x इज इक्वल टू 2 माइनस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस 4, यानी ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, यानी x का जो वैल्यू होगा x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी काट दीजिए इसे 3 बार में, यानी आंसर इसका आ गया x इज इक्वल टू 3, यही इसका आंसर हुआ। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट स्टेप्स में आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपोनेंट्स का रूल्स यानी डिवीजन वाले और मल्टीप्लिकेशन वाले, जिसपे हम लोग अभी देखे थे इससे पहले, वो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल पे लग रहा था, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो डिवीजन वाले पे लग रहा है। तो इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।